अश्लीलता के खिलाफ चल रही लगातार मुहिम, कहीं ना कहीं जो भोजपुरी गायक हैं उन पर भारी पड़ती जा रही है। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव पर वैशाली में हमला हुआ था, इसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाया था सुधीर सिंह पर, और अब पवन सिंह पर भी हमला हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पर। कल रोहतास में करगहर महोत्सव के दौरान पवन सिंह पर हमला हुआ है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से खबर पहले भी निकल के आई थी, एक बार पहले भी पवन सिंह पर हमला हुआ था, उस वक्त भी उनके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे और भी जो लोग हैं, कई लोग हैं, उनको चोटें आई थी। लेकिन कल की खबर निकल के आ रही है, कल भी एक महोत्सव के दौरान पवन सिंह गाना गा रहे थे और उसी दौरान जमकर मारपीट हुई है। अब किस बात को लेकर हुई है ये तो हमें औपचारिक रूप से अभी पता नहीं चल पाई है। हम वहाँ के जो थानेदार हैं या सदर SDPO हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जोड़ेंगे आपको भी। लेकिन जो ये खबर पुख्ता निकल के आ रही है वो ये है कि एक बार फिर से पवन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है और जमकर मारपीट हुई है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं और पवन सिंह पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा था, वो जान बचाकर भागे हैं। और ये लगातार अश्लीलता के खिलाफ जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, क्या हो रहा है समाज में। यदि अश्लील गानों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और कलाकार हैं वो कह रहे हैं कि हम गा भी नहीं रहे हैं, तो ये बीच में आग लगा कौन रहा है। इस बड़े सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ, जुड़े हैं भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।